करने के लिए छत और बूढ़ी माँ है जो नीचे थी जो छत बाहर रही थी, बिजली का जो टेढ़ वाला पोल होता है जी, तो किसी तरह गिर गया था जी, उसी में सट करके। ससुराल से मायके आई महिला की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। जी हाँ, सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के पसनौली गांव में एक महिला की बिजली के चपेट में आने से मौत हो गई है। महिला अपने छत पर सफाई करने गई थी, तभी छत से गुजरे बिजली के तार के चपेट में आने से महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला अपने ससुराल से 10 दिन पहले मायके आई थी, तभी यह घटना घटी हुई है। महिला की पहचान पसनौली वार्ड संख्या 11 के स्वर्गीय अब्दुल कईम अंसारी की पुत्री नासरीन बेगम के रूप में हुई है। नासरीन की शादी बालागांव के समीउल्लाह से हुई थी, जिनकी एक बेटा और एक बेटी भी है। इस घटना के बाद महिला के भाई सरफराज और मां आसमा खातून का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि जैसे महिला बिजली की तार के चपेट में ही आसपास के लोगों ने हो हल्ला किया, उसके बाद से स्थानीय लोग मदद से महिला को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश भी जताया, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि बिजली विभाग के तारें जर्जर हो रही है और तार गिरने से लोगों की मौत हो जा रही है, उसके बावजूद भी बिजली विभाग के कर्मचारी कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। वहीं इस घटना को सुनकर महाराजगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि शक्ति शरण प्रसाद, वार्ड संख्या 11 के वार्ड प्रतिनिधि राहुल सिंह, हरिंदर श्रीवास्तव, नगर पंचायत के कर्मी मनु कुमार, रमेश सिंह सहित दर्जनों लोग पहुंचे हुए थे। सुनिए क्या कुछ कहते हैं नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रतिनिधि ए वार्ड प्रसाद के वार्ड प्रतिनिधि। करने के लिए छत और बूढ़ी माँ है जो नीचे थी वो छत बाहर रही थी, बिजली का जो टेढ़ वाला पोल होता है जी, वो किसी तरह गिर गया था जी, उसी में सट करके। अगुला सुने हम गए वहाँ पे जी, तो एक हमारे वार्ड में जो मृत व्यक्ति हैं कईम चचा जी, उन्हीं की लड़की आई हुई थी घर पे जी, तो छत पे गई थी शायद कपड़ा वगैरह पता नहीं कि क्या झाड़ू लगाने के लिए जी, तब तक बिजली का तार उनके बॉडी पे गिर गया जी, और मर गई थी वो, तो मतलब मरणासन स्थिति में थी, अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अच्छा, 4 घंटा होने को है लेकिन अभी तक बिजली विभाग कर्मचारी नहीं पहुंचे हुए थे, इसको लेकर क्या मांग कीजिए अधिकारियों से? यहीं की लचर व्यवस्था है बिजली का, हर जगह पोल पे से लाइट जो है टाइट अच्छा ढंग से मतलब लाइट का व्यवस्था किया जाए, जिसके कारण से फिर अगला बार ऐसा घटना ना घटे। पूरा पर्चा बताइए एक बार अपना। राहुल सिंह 11 नंबर वार्ड। सर क्या कुछ घटना घटा हुआ है सर? ये नहीं था, महाराजगंज पसनौली गगन में वार्ड नंबर 11 में एक बच्ची गई अपने छत पर बाहर, और जब तक उसकी माँ जानी और गई गाँव के लोग जुटे तब तक मर चुकी थी। फिर वहाँ के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हैं राहुल सिंह, वो सब लग करके लेकर गए एसएस कुमार के पास, तो मृत घोषित कर दिया उन्होंने। बिजली की चपेट में आने से मौत हुई है। बिजली की चपेट में आने से मरी है बच्ची वो, और सबसे दुख की बात है कि घटना ये लमसम 4 और 5 के बीच की है जी। और बिजली विभाग का कोई भी पदाधिकारी अभी तक यहाँ नहीं आया। क्या मांग कीजिएगा वरीय अधिकारियों से लगातार, जिस तरह बिजली विभाग लापरवाही सामने आती है? मांग यही करेंगे कि बिजली विभाग कि जो भी लापरवाही है उस पर कार्रवाई हो, अगर बिजली विभाग इस पर चुस्त रहता तो ये घटना नहीं घटती, और ये एकदम गरीब और असहाय औरत मरी है, इसके बच्चे भी हैं 2-3, इसका जो सही मुआवजा हो इसे मिलना चाहिए, ताकि कि बच्चों का परवरिश हो सके।